आपको पता है पाव नाम कैसे आया होगा? एक नजरिए से ये कहा जाता है कि पाव तो हमें चार पाव के सेट में मिलता है और फिर हम इसे तोड़ के एक एक पाव करके इस्तेमाल करते हैं, और पाव मतलब मराठी में 1/4, इसीलिए ये नाम आया होगा। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ब्रेड को बेक करने की कला पोर्चुगीज से आया था, और पोर्चुगीज में पाव मतलब ब्रेड, इसीलिए शायद पाव कहते हैं। कहानी जो भी हो, हमें सिर्फ पाव से मतलब है। घर में अब पाव है, तो चलिए आज बनाते हैं मसाला पाव। नमस्कार दोस्तों, है बास किचन हिंदी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले एक कढ़ाई में एक बड़े चम्मच मक्खन डालेंगे। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच कसूरी मेथी, 3 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, और इसे धीमी आंच पे भून लेंगे। जब ये भूनकर इसका कच्चापन निकल जाए, तब हम इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और इसे भून लेंगे। इसे ज्यादा भूनकर ब्राउन नहीं करना है, बस इसे हल्का सा पकाना है। जब ये पक जाए, तब हम इसमें डालेंगे आधा बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और इसे भी भून लेंगे। वैसे तो मसाला पाव में बाकी सब्जियां नहीं पड़ती है, अगर आप चाहो तो इस समय पे सब्जियों को बारीक काट के डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच नमक, और इसे धीमी आंच पे भून लेंगे ताकि मसाला जले ना। जब ये भूनकर मसालों का कच्चापन निकल कर ये खुशबूदार हो जाए, तब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई टमाटर डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। टमाटर को अच्छे से पकाना है ताकि ये बढ़िया से नरम हो जाए। अब मैशर से इस तरह मैश करेंगे, इससे टमाटर जल्दी पकेगा और स्वाद भी उबर के आएगा। मसाला में चिकना टेक्सचर आ चुका है और ये परफेक्ट है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे मिला देंगे। हमारा मसाला भाजी तैयार है। अब दूसरी तरफ एक पैन में 1 चम्मच मक्खन डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, आधा चम्मच पाव भाजी मसाला, और धीमी आंच पे हल्का सा भून लेंगे। इसे पैन पे इस तरह फैलाएंगे। अब ताजा पाव लेंगे और बीच में इस तरह काट लेंगे। इसे पूरा नहीं काटना है, बस कुछ इस तरह। अब हम पैन में हल्के से सेकेंगे, दोनों तरफ घुमाते हुए पाव को सेकेंगे। अब हम 1 बड़े चम्मच तैयार किया हुआ मसाला लेंगे और 2 ब्रेड के ऊपर इस तरह फैलाएंगे। घर पे आए हुए मेहमानों की खातिरदारी पर इसे जरूर बनाएं और सबसे वाहवाह की तारीफ सुनिए। अब इसके ऊपर डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। ये लीजिए यम्मी स्ट्रीट स्टाइल मसाला पाव बिल्कुल तैयार। तो दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और रेसिपी को ट्राई करके हमें कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।